राजकीय उच्च माध्यम विद्यालय लोहा रतनगढ़ आपका हार्दिक स्वागत करता है। सुस्वागतम। आइए आज 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम को देखते हैं। स्कूल प्रांगण में बच्चों ने बहुत ही शानदार ये देखिए रंगोली बनाई है। हमारे राजस्थानी परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम तिलक लगा के ही किसी भी कार्य का शुभारंभ किया जाता है। स्कूल में अभी 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए पधारे हुए गांव से सभी महानुभावों का तिलक करके स्वागत किया जा रहा है। सबसे पहले शुभारंभ विद्या की देवी सरस्वती माँ के दीप प्रज्वलित करके प्रोग्राम का शुभारंभ किया जा रहा है। और मुख्य अतिथि श्रीमान कुलदीप जी व्यास को माला देकर उनका स्वागत करें। जी न्याय का जो है कि इस ग्राम के सबसे योग्य मेरे हिसाब से वृद्धजनों में आते हैं, जो एक अच्छी समझ रखते हैं और दिन प्रतिदिन हमारे स्कूल के अंदर आते रहते हैं और एक अच्छी सोच के और अच्छी विचार के धनी है। ये तो आमंत्रित करता हूँ राष्ट्रगान के लिए। मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। विश्व विजयी हो ऐसी कामना के साथ एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। उस समय देश को चलाने के लिए हमारे पास कोई नियम कानून और संविधान नहीं था। जरूरत थी एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था की जहां
ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, सब जाति और सब धर्म को समान स्थान मिले, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप बना रहे, देश तरक्की और नित नई ऊंचाइयों को छूता रहे। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान प्रारूप समिति ने 2 साल 11 माह और 18 दिन में संविधान को तैयार किया, जिसे 26 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा ने पास किया और 26 जनवरी 1950 को यह पूरे भारत देश में लागू कर दिया गया। तब से हम हर वर्ष इस राष्ट्रीय पर्व को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। एक बार पुनः पधारे हुए सभी सम्मानित ग्रामवासियों और अतिथियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब अधिक समय न लेते
महोदय जी, गांव से पधारे हुए सज्जनों एवं सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आपके सामने खड़ी होकर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में दो शब्द बोलना चाहती हूँ। सर्वप्रथम मैं देश के उन वीरों को आशापूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर हमें हक और सम्मान से जीना सिखाया। नमन उन वीरों को, नमन उन शहीदों को, उन वीर सपूतों को नमन है, इस मातृभूमि को नमन है, इस प्यारे वतन, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि इस प्यारे वतन जैसा आप पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, उसी कड़ी में हम भी आज उन लाखों वीर शहीदों की कुर्बानियों को याद करते हुए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वैसे तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, लेकिन हम पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सके क्योंकि यहाँ के सारे कानून कायदे ऐसे जालिमों के हाथ में थे जो हिंदुस्तानियों को घुट घुट कर जीने में मजबूर कर देते थे, जो मजबूर रहे थे, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के उन वीर सपूतों को घुट घुट जीना मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने उन जालिमों को संघर्ष करके एक नया संविधान बनाया जिसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इस कानून को आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू किया गया, जिसकी बदौलत हर हिंदुस्तानी को स्वतंत्रता व सम्मान से जीने का हक मिला। इसलिए हम उन वीर शहीदों की कुर्बानियों को याद करते हुए प्रतिवर्ष आज के दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन अब कुछ और जालिम हैं जो हमारी स्वतंत्रता छीनने का प्रयास कर रहे हैं, हमको मिलकर उनके अरमानों पर पानी फेरना होगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, जाग उठो अरे हिंदुस्तानी शेर, बंद दहाड़ मारो, जाग उठो अरे हिंदुस्तानी शेर, बंद दहाड़ मारो, कर दो सफाया उन जालिमों को जो आतंक फैलाते हैं। जय हिंद, जय भारत। छात्रा वंदना के लिए बासिंदा हाँ, राजस्थानी मारी पिछाण, और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति राजस्थान को नृत्य के अंदर दिखाई गई। अब मैं चरणों में नमन करता हूं और चाहूंगा कि हम सब यहाँ जिस विशेष आयोजन के लिए उपस्थित हुए हैं वह उत्साह हम सब की ओर से नजर आए। एक बार सभी मेरे साथ जोरदार जयकारा लगाएंगे, भारत माता की। अरे इतने सारे बच्चों आनंद, माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, श्रीमान बोनलाल जी पुनिया साहब, बहुत ही सम्मान के योग्य आदरणीय श्री राजेश जी रोलानिया साहब, उप सरपंच साहब भी यहाँ कुछ देर पहले थे, और आदरणीय बोनलाल जी जिनका स्नेह सानिध्य मुझे हमेशा मिलता रहा, और आवासी बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, युवा साथी और प्यारे छात्र छात्राओं, ये अवसर समाज में परिवार में रहते हुए राष्ट्र के प्रति हमें कैसे सचेत रहना है, हमारे कर्तव्यों का निर्वहन हम किस प्रकार कर पाए, इसका हम एक मानस हमारा बना सके, मन में संकल्प ले सके, दृढ़ हो, इसलिए इस तरह के आयोजन होते हैं हमारा ये गणतंत्र दिवस। और ऐसे अवसरों पर हम संकल्प लें कि हम हमारे जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, करेंगे, ऐसा प्रयास हमारा रहेगा। मैं बहुत अधिक लंबा भाषण नहीं देते हुए आज के इस अवसर पर विशेष रूप से चाहूँगा एक दो पंक्तियाँ हम सब मिलकर गुनगुनाएं। मेरे साथ गाओगे आप? जिन जिन को आता साथ साथ गाना है, इधर मुँह कर लो, इधर इधर बैठिए। कहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा।
हम हिंदी सारे कहाँ से अच्छा हम भूले हैं। आगे बढ़ते रहे, विशेष रूप से आप सभी बच्चों के लिए कि जो आपके इस जीवन का उद्देश्य है पढ़ाई करना, अच्छी बातें सीखना, खाली अच्छे नंबर लाना नहीं, जीवन के लिए जो उपयोगी बातें हैं वो चीजें सीखना और जो गलत चीजें हैं उनसे हमेशा दूर रहना, ये मन में पक्का ठान लीजिए, ठीक है ना। और उपस्थित ग्रामवासी हमारे जनप्रतिनिधिगण जो यहाँ विराजे हैं उन सबसे भी निवेदन रहेगा, विद्यालय चूंकि पहले निधि था सेकेंडरी आप सबने मिलकर के बनाया, आप सबको मैं बधाई देना चाहूंगा, आभार प्रकट करना चाहूंगा कि वास्तव में जरूरत थी गांव में। बड़ी स्कूल जो थी वो इंग्लिश मीडियम बन गई थी, तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी बारह तक की व्यवस्था हो, तो आप जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत बधाई कि आपने प्रयास किए और ये सेकेंडरी बना रखे। गवर्नमेंट की नीति है कि सेकेंडरी सबको सेकेंडरी बना दिया गया, सीनियर सेकेंडरी बना दिया गया, सीनियर सेकेंडरी बन गई स्कूल, तो सीनियर सेकेंडरी बन गई, परंतु निश्चित रूप से बहुत अच्छे ढंग से इस विद्यालय का विकास आप सब मिलकर के कर सकते हैं। आह्वान करूंगा आप सबका कि आप सब भी विद्यालय से जुड़े बच्चों के भविष्य की बात है, इन बच्चों को जब कमरे नहीं होंगे बैठने के लिए तो ये कैसे पढ़ रही थी, उनके बच्चे भी बाद में उस स्कूल में मेरे पास पढ़ करके गए, दो पीढ़ियां को मैंने देखा है। तो यदि भवन निर्माण का काम बढ़िया ढंग से होगा तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो काम होगा। कमरों का निर्माण 25x20 के तीन कमरों के निर्माण की स्वीकृति हमें मिल गई है और प्रथम चरण के रूप में उसकी प्रथम किस्त भी आ गई है, तो 22,60,000 रुपए का काम योगदान की तहत बामा साहब हैं उनकी तरफ से शुरू हो रहा है। और केवल यही तक नहीं है, मेरी जैसी उनसे बात हुई थी, संस्था प्रधान महोदया ने भी बात की थी, हम प्रयास तो करें कि 6 कमरे उनकी तरफ से बने, पर पहले चरण में उन्होंने हमें 3 कमरों की स्वीकृति दी है। हम सब मिलकर के उस काम की देख रेख करेंगे और बढ़िया ढंग से काम कराएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे का काम भी दूसरे चरण का काम भी होगा और ये हम सब का काम है, सब मिलकर के हम करें। एक बार पुनः संस्था प्रधान महोदया को, हमारे जनप्रतिनिधियों को और पूरे स्टाफ को बधाई देना चाहूंगा कि आप सबके प्रयासों से ये छोटा सा काम जो स्वीकृत हुआ है वो बढ़िया ढंग से संपादित हो। और मुझे जैसी जानकारी मिली है सरपंच साहब भी सक्रिय हैं, पंचायत की तरफ से भी कमरों के सेक्शन इन्होंने निकाल रखी, एक कमरे की तो है तय, और भी मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम 12 कमरे तो क्लास के लिए, और फिर कंप्यूटर रूम की भी जरूरत होती है, ICT लैब भी होती है स्कूल में, गेम्स रूम भी होता है, ऑफिस भी होता है, वो सब मिलाकर कम से कम 15-16 कमरे हो जाएं। और आप सब मिलकर यदि जुटेंगे तो निश्चित रूप से हो जाएंगे। पंचायत समिति स्तर पर भी प्रधान जी के माध्यम से भी, आदरणीय राजेश जी से भी विवाद हुई थी, और आप सब मिलकर के यदि कोशिश करेंगे तो वो भी होगा। और अब तो आदरणीय प्रधान जी के साथ भी मेरा भी कुछ तो सहयोग करें तो निश्चित रूप से अच्छा हो पाएगा। आज के इस अवसर पर आपने मुझे याद किया और निवेदन करूंगा संस्था प्रधान से भी, मुझे आप स्कूल के स्टाफ के रूप में ही आमंत्रित करें, कोई अतिथि के रूप में नहीं। मैं तो इस युवा स्कूल के गांव के लिए, जैसा उस स्कूल में मैं एक सरकारी कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था, उसी रूप में शिक्षा विभाग के एक कर्मचारी के रूप में आपके साथ जुड़ना चाहूंगा। कहीं किसी तरह के अतिथि के रूप में और मुझे जरूरत नहीं है, गाँववासियों के साथ स्नेह संपर्क बना रहे। और आपसे भी निवेदन रहेगा, हम विद्यालय को हमें आगे बढ़ाना है, आपके नेतृत्व में विद्यालय आगे बढ़ना है, समस्त ग्रामवासियों का हम समारोह भी रहेगा, इसलिए वो प्रयास भी हम करें। पढ़ाई का जो काम है वो नियमित रूप से चलता रहे, उसके साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियां भी जीवन के लिए जरूरी होती है, तो खेलकूद भी हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चियां बहुत बढ़िया प्रस्तुत कर रही थी, इस तरह की गतिविधियां भी हो। और कुल मिला के बच्चों के सर्वांगीण विकास की जो बात विद्यालय के माध्यम से हम करना चाह रहे हैं वो हम कर पाए, और यदि कर पाते हैं तभी हमारी नौकरी सार्थक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 3 कमरों के निर्माण का कार्य है वो शुरू करने का शुभ दिन हमें बताया गया 31 तारीख का, 31 ही है ना, टाइम सुबह का है ना, 9 बजे वाला, तो उस समय भी आप सभी गांवों से निवेदन रहेगा, एक शुभ कार्य शुरू होगा तो उसमें आप सभी सहभागी होंगे। पूरी विधिवत सूचना तो संस्था प्रधान महोदय देगी, मैं नहीं दे पाऊंगा, उनका क्या प्रोग्राम है, और ग्रामवासी यहाँ उपस्थित हो और एक उत्साह का माहौल बने। और मुझे हमेशा ऐसा
बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करें और बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी का। ना पूछो जमाने से है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए हम कार्यक्रम के अंदर। ये विचारों से लेकिन बंधे रहिए अपने संस्कारों से, मतलब है कि अपने विचारों से तो आजाद बनो लेकिन अपनी संस्कृति को मत भूलो। तो यही एक विचार प्रस्तुत करते हुए अपनी संस्कृति का एक परिचय दिया है इन छात्राओं ने एक नृत्य द्वारा। ये नहीं अब भटोर का कब गया इस अभियान के अंतर्गत गांव में ग्राम के बारे में जागरूक करना है कि एक संक्रमित रोग है जिसके विश्व भर के कुल रोगियों में 3.5 हज़ार रोगी मिलते हैं जिनमें से जैसा कि आप सबको पता ही है आज हम गणतंत्र दिवस मनाने के लिए हमारे विद्यालय प्रांगण में एकत्रित हुए हैं।
गणतंत्र दिवस की महत्ता तो हम सभी जानते हैं। महत्ता जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी महत्ता को कायम रखना भी जरूरी है। गणतंत्र का मतलब ही गणों का तंत्र है। लोकतंत्र यानी कि सामान्य आम जनता द्वारा बनाया गया तंत्र जिसका शासन सामान्य आम जनता के ही हाथ में है। और उसी की एक छोटी सी इकाई है हमारा विद्यालय। हमारे विद्यालय का जो छोटा सा गणतंत्र का सिस्टम है उसके आप एक अहम भागीदार हैं। तो आज विद्यालय में पधारे हुए ग्रामवासियों से ही मैं सीधा संवाद करना चाहूँगी। बालिकाओं से, बालकों से हमारी रोज़ बात होती है, इनको हम जो बताना है उससे हम इंटरेक्ट करते रहते हैं, लेकिन आज मेरा संवाद आए हुए प्रबुद्ध ग्रामवासियों से है। इस शुभ दिन पर जब आज हम एकत्रित हुए हैं, हमें आपस में बात करने का मौका मिला है, तो मैं इस विद्यालय के बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाहूँगी। आज से 4 साल पहले ये विद्यालय बंद था। 2018 में इस विद्यालय को सरकार द्वारा वापस खोला गया, और जब वापस खोला गया तो जिन टीचर्स ने यहाँ ज्वाइन किया था उन्होंने बताया, अध्यापक और आदि पे काम मेरे ग्राम से आए हुए आदरणीय ग्रामवासी और प्यारे बच्चों, हर वर्ष हम दो त्योहार मनाते हैं और यहाँ इकट्ठे होते हैं। ये क्यों मनाते हैं, क्यों इकट्ठे होते हैं कि हमने देखा तो नहीं लेकिन बुजुर्गों की जवानी सुना था। एक वक्त था जो कोई भी आदमी काम करना चाहता था वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता था, क्योंकि हम मुगलों से और अंग्रेजों से, इनसे ही पनप रहे थे। वो चाहते तो हमें कुछ मिलता, अन्यथा एक घाणी की बैल की तरह हमें पिड़ाते रहते थे। हमारे पूर्वज नेताओं ने तथा अनेक बलिदान दाताओं ने अपने खून की बलि देकर हमें आजादी दिलवाई और हमारे संविधान के अनुसार हमें जनतंत्र या गणतंत्र दिवस, गणतंत्रता दिवस, इस उपलक्ष्य में हम ये दो त्योहार मनाते हैं। तो इन्हीं के सोच के अनुरूप आज हम इतने बढ़ रहे हैं कि विश्व में भी भारत को एक तीसरी महाशक्ति के रूप में जाना गया है। वो कैसे जाना गया है कि हमारे समाज को दो सेवाएं अति आवश्यक है, शिक्षा और स्वास्थ्य। इनके बिना समाज में व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। शिक्षा उसके पास है नहीं, समझने की शक्ति उसके पास है नहीं, और स्वास्थ्य काम देता नहीं। जो लुटा गए हंस के उस भरी जवानी को हम कैसे भुला देंगे। वीर गति पाई है, वीर गति पाई है, मर्दानी कहाई है, जिनके ही दम से है महकाए वतन। ऐसे उन वीरों को है सो सो बार नमन, जो लुटा गए हंस के उस भरी जवानी को हम कैसे भुला देंगे। उनकी कुर्बानी को आजादी की दौलत है, वीरों की बदौलत है, आजादी की दौलत है, वीरों की बदौलत है। छात्रा के साइंस के लिए एक सुंदर कविता प्रस्तुत की। मैं एक बार धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने अनमोल समय में से कुछ समय हमारे विद्यालय के लिए निकाला, और आप हमारे विद्यालय के बच्चों के उत्साह वर्धन के लिए यहाँ आए।
अपना समय दिया और इन बच्चों के कार्यक्रमों को देखा, उसके लिए आपका हार्दिक आभार। कम समय में, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक हैं, बच्चों की एग्ज़ाम आने वाली है, इस वजह से बहुत ही अल्प समय में, लगभग 4 दिन के समय में बच्चों ने ये सब प्रस्तुतियाँ तैयार की थी। तो उनका उत्साह वर्धन करने के लिए और हमारे विद्यालय प्रांगण में पधारने के लिए आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। आशा करती हूँ और आशा ही नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग आने वाले समय में भी हमसे जुड़े रहेंगे और लोग हमसे जुड़ते जाएंगे और इस विद्यालय के विकास के साक्षी बनेंगे। तो आज यहाँ पधारने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी के साथ मैं आज के इस उत्सव के समापन की घोषणा करती हूँ। और अब विद्यार्थियों से यह है कि जो जो बच्चा जिस क्लास का